ठीक है, टुडेज लेक्चर इज इंट्रोडक्शन ऑफ क्वांटम थ्योरी एंड वेन पार्टिकल ड्यूलिटी। तो पहले मैं थोड़ी सी हिस्टोरिकल डेवलप बता देती हूँ कि क्वांटम मैकेनिक्स क्यों डेवलप हुई। तो इनिक्विटीज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, मतलब क्लासिकल मैकेनिक्स के ड्रॉबैक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स क्या थी। जब हमने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी स्टार्ट की थी तो भी वहीं से स्टार्ट किया था, अब हम क्वांटम मैकेनिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं तो भी हम वहीं से कर रहे हैं। कि जो क्लासिकल मैकेनिक्स इज बेस्ड ऑन द न्यूटन्स थ्री लॉ, लॉ ऑफ इनर्शिया, गैलीलियो लॉ, या लॉ ऑफ फोर्स, लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। ठीक है, तो दीज लॉ इंक्लूड द कंसेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट मास, एब्सोल्यूट स्पेस एंड एब्सोल्यूट टाइम। तो अगर हम इन लॉज को पढ़ते हैं तो हम वहाँ पे एब्सोल्यूट मास, एब्सोल्यूट स्पेस और एब्सोल्यूट टाइम को कंसीडर करते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स जो है एक्सप्लेन कर लेती है, क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन करेक्टली द मोशन ऑफ प्लैनेट्स, स्टार्स, मैक्रोस्कोपिक बॉडीज एज वेल एज माइक्रोस्कोपिक बॉडीज मूविंग विद नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड। जो भी नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड से मूव कर रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स उसको क्लियरली अच्छे से मोशंस को एक्सप्लेन कर लेती है। द इनिक्विटीज ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स, बट क्लासिकल मैकेनिक्स क्या नहीं कर पाई, इट डज नॉट, मतलब हम क्वांटम मैकेनिक्स के परस्पेक्टिव से बता रहे हैं जो इनिक्विटीज बता रहे हैं, इट डज नॉट होल्ड इन द रीजन ऑफ एटॉमिक डायमेंशन। ठीक है, ये एटॉमिक डायमेंशन में नहीं होल्ड कर पाई, वहां पे एक्सप्लेन नहीं कर पाई, और स्पेशली इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसे पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, जैसे प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, एक्सेट्रा। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम क्यों स्टेबल है उसको भी क्वांटम क्लासिकल मैकेनिक्स एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ऑब्जर्व स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल एंड गैसेस। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा एटम, सीन्स अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स द एनर्जी चेंजेस आर ऑलवेज कंटिन्यूअस। तो हम क्लासिकल मैकेनिक्स में मानते हैं कि एनर्जी जो है एटम्स के अंदर कंटिन्यूअस होती थी। ठीक है, हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, वीन्स ने और रेलाई ने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, बट वो उस स्पेक्ट्रम को, ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम को, पूरे रीजन को पूरा नहीं एक्सप्लेन कर पाए, हाफ हाफ रीजन को एक्सप्लेन कर पाए। तो बहुत सारे ऐसे फिनोमिना थे जो क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं एक्सप्लेन कर पा रही थी। In spite of this, classical mechanics could not explain large number of observed phenomena like photoelectric effect, Compton effect, Raman effect, black body spectrum, etc. These inequities of classical mechanics lead to development of quantum mechanics. तो ये जो कमियां थी जो classical mechanics पे थी कि वो जो observed phenomena हो रहे हैं उनको explain नहीं कर पा रही थी, वही कारण बना क्वांटम मैकेनिक्स के डेवलपमेंट का। तो ये अजम्पशंस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स हैं। एट द टर्न ऑफ लास्ट सेंचुरी देयर वर सेवरल एक्सपेरिमेंट एंड ऑब्जर्वेशन विच कुड नॉट एक्सप्लेन बाय द एस्टैब्लिश्ड लॉ ऑफ क्लासिकल फिजिक्स एंड कॉल्ड फॉर रेडियली डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग। दिस लीड्स द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स विच इज टूडे रिगार्ड एज ए फंडामेंटल थ्योरी ऑफ नेचर। Quantum mechanics most successful working theory of nature. Quantum mechanics is most accurate and complete description of physical world. और quantum theory जो आप लोग पढ़ रहे हैं ना वो बहुत basic सी पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत आसान लगेगी। ठीक है, बहुत basic basic सा हम पढ़ेंगे, Schrodinger equation भी फिर भी easy लगेगी, ज़्यादा हम difficult में जा ही नहीं रहे हैं। But quantum mechanics बहुत ज़्यादा tough में आती है physics में। ठीक है, तो फिजिक्स की सबसे टफेस्ट ब्रांच अगर हम बोलें तो क्वांटम मैकेनिक्स है, बट अभी हम जो पढ़ेंगे वो बहुत सिंपल सिंपल से लॉज और सब सिंपल सिंपल सा पढ़ेंगे। एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स फिर इतने अप्रोक्सीमेशंस और इतने लॉज हो जाते हैं इसके अंदर, बहुत डिफिकल्ट हो जाती है इसको सोल्यूशन, इसके जो सॉल्व करना है। बट अभी हम बहुत सिंपल सा पढ़ रहे हैं तो सिंपल सिंपल सा जानते हैं। इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आप, लेकिन ये सच लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है कि क्वांटम मैकेनिक्स का डेवलपमेंट क्यों हुआ क्लासिकल मैकेनिक्स के ड्रॉबैक से, है ना। तो ये हमारे सिलेबस में सच है नहीं, इंट्रोडक्शन है कि क्वांटम मैकेनिक्स का। चलिए नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। ये डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स है कि क्वांटम मैकेनिक्स के डेवलपमेंट किस ईयर से स्टार्ट हुए। तो नॉर्मली जब प्लांक हाइपोथेसिस आया था, जब प्लांक्स ने ये बोला था कि जो फोटोन है उनमें वो क्वांटा या फोटोन की फॉर्म में मूव करते हैं, तो वहां से हमारा जो है क्वांटम मैकेनिक्स डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुआ। फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रा को
तभी हम एक्सप्लेन कर पाए जब हमने प्लैंक के आइडिया को कंसीडर किया, ठीक है। फिर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आइंस्टाइन ने ऑब्जर्व किया था इन 1905 में, फिर वो भी एक्सप्लेन तभी हुआ जब हमने लाइट को एज ए फोटोन कंसीडर किया। मॉडल ऑफ एटम रदरफोर्ड ने 1911 में दिया, वहां पर भी डिस्क्रीट एनर्जीज कंसीडर किए गए। फिर क्वांटम थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा, स्कैटरिंग ऑफ फोटोन फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स, इसको क्वांटम इफेक्ट बोलते हैं, पहले सिलेबस में था, अभी नहीं है। अगर आपको जानना है कि क्या होता है, क्योंकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मॉडल ऑफ एटम्स, ये तो बोहर वाला, क्वांटम थ्योरी ऑफ स्पेक्ट्रा, ये सब आपका पढ़ के आया हुआ है। सिर्फ यहाँ पर क्वांटम इफेक्ट ऐसा है जो आपका पढ़ा हुआ नहीं है। अगर इसके बारे में जानना है तो आप फिर यूट्यूब पे इसको देख सकते हो। मेरा जो है दो लेक्चर इस पे है क्वांटम इफेक्ट पे, लास्ट टाइम, क्योंकि ये था सिलेबस में तो पढ़ाया था मैंने इसको। एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल 1922 में आया। मैटर वेव्स, डी ब्रोगली ने 1925 लिखा है यहाँ पे कि मैम अभी क्वांटम इफेक्ट नहीं है क्या सिलेबस में? अब सिलेबस में नहीं है। मैं अभी सिलेबस मैंने देखा आप लोगों को पढ़ाने से पहले कि ये है कि नहीं है, तो ये अब नहीं है, ठीक है। तो 1923-24 में मैटर वेव्स का कंसेप्ट आया है, यहाँ 25 लिखा हुआ है, मतलब इसको भी कंसीडर कर सकते हैं, बट स्टार्टिंग जो है 1923 से हुआ था। एक्सपेरिमेंटल टेस्ट ऑफ मैटर वेव, डेविसन जर्मन ने जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है डी ब्रॉगली का, कि डी ब्रॉगली ने ये बोला था मटेरियल पार्टिकल जब मूव करते हैं तो उनके साथ एक वेव एसोसिएट होती है, उसका जो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट, ये भी आप 12th में करके आए हुए हैं। इलेक्ट्रॉन के केस में इन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया था और इलेक्ट्रॉन में दिखाया था कि इलेक्ट्रॉन जो है वेव नेचर और एज वेल एज पार्टिकल नेचर शो करता है, तो वो डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट है। तो क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन इन ब्रीफ वेव पार्टिकल ड्यूलिटी। एक्सप्लेन इन ब्रीफ वेव पार्टिकल ड्यूलिटी, ठीक है। तो क्या कहा गया कि कुछ फिनोमिना ऐसे हैं जैसे रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफ्रेंस, पोलराइजेशन, जिनसे हम जो ये शो करते हैं कि लाइट जो है वेव नेचर रखती है। अगर इन फिनोमिना को हमें समझना है, एक्सप्लेन करना है, तो हम कहते हैं किससे कर सकते हैं, जब ये कंसीडर करें कि लाइट जो है वेव नेचर रखती है, तो दीज फिनोमिना शोज दैट लाइट है, ठीक है। कुछ फिनोमिना जैसे कि क्वांटम इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, रमन इफेक्ट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट क्या है? अकॉर्डिंग टू विच लाइट प्रोपोगेट इन स्मॉल पैकेट्स और बंडल ऑफ एनर्जी, और दीज बंडल ऑफ एनर्जी और पैकेट्स आर कॉल्ड फोटॉन्स। तो दीज फिनोमिना शोज दैट लाइट है पार्टिकल नेचर। पार्टिकल नेचर बेसिकली हम मोमेंटम पी से दिखाते हैं, और वेव नेचर हम वेवलेंथ लैम्डा से शो करते हैं। तो अगर लैम्डा है तो हम ये कहते हैं वेवलेंथ है, वेवलेंथ है तो मतलब वेव नेचर है, और किसी के पास अगर मोमेंटम है तो हम कह देते हैं उसके पास पार्टिकल नेचर है। तो लिखना स्टार्ट करते हैं इसमें। वेव पार्टिकल ड्यूलिटी के अंदर द फिनोमिना ऑफ इंटरफ्रेंस, डिफ्रेक्शन एंड पोलराइजेशन, एंड पोलराइजेशन द फिनोमिना ऑफ इंटरफ्रेंस, डिफ्रेक्शन एंड पोलराइजेशन कैन बी एक्सप्लेन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट। दीज फिनोमिना शो दैट द लाइट है वेव नेचर।
नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे द फिनोमिना, द फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, द फिनोमिना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्प्टन इफेक्ट, फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्प्टन इफेक्ट, डिस्क्रीट एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन. इसकी जगह हम चाहे तो ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम भी लिख सकते हैं यहाँ पे. एब्जॉर्प्शन कैन बी एक्सप्लेन, कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट. According to which light is propagated in small packets or bundles of energy H nu. These packets are called photons. The phenomena of interference, diffraction and polarization can be explained on the basis of wave theory of light. These phenomena shows that the light have wave nature. The phenomena of photoelectric effect, Compton effect, discrete emission and absorption can be explained on the basis of quantum theory of light, according to which light is propagated in a small packets or bundle of energy H nu. These packets are called photons. These phenomena shows that light have particle nature. Thus we can say light have dual nature. फिर से सुनिए क्या बोला. द फिनोमिना ऑफ इंटरफेरेंस डिफ्रेक्शन एंड पोलराइजेशन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट. दिस फिनोमिना शोज दैट लाइट हैव वेव नेचर. द फिनोमिना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्प्टन इफेक्ट, डिस्क्रीट एमिशन एंड अब्सॉर्प्शन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, अकॉर्डिंग टू विच लाइट इज प्रोपोगेटेड इन स्मॉल पैकेट्स और बंडल ऑफ एनर्जी एच न्यू. दीज पैकेट्स आर कॉल्ड फोटॉन्स और क्वांटम. These phenomena shows that light have particle nature. Thus we can say light have dual nature. तो यहाँ पे wave particle duality आ गई. तो in 1923-24 में डी ब्रॉगली ने क्या कहा कि नेचर जो है सिमेट्री एग्जिबिस्ट करता है. नेचर में सिमेट्री होती है. जिस तरीके से रेडिएशन जो है पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, उसी तरीके से पार्टिकल भी वेव नेचर शो करेगा. तो इस आईडी को लेते हुए उन्होंने फिर डी ब्रॉगली हाइपोथिस दिया.